किसान भाइयों नमस्कार। ये मल्टी कलर पौधा ले जाके लगा तो कोई भी सकता है, बट उसकी देखभाल कैसे करनी है, क्या देखभाल उसको चाहिए, टाइम टू टाइम कैसे कटिंग करनी है, वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी रोकनी होती है तभी फूल ज्यादा आते हैं। आज मैं लवली नर्सरी पे खड़ा हूँ और लवली नर्सरी का मालिक मैं जरूर हूँ, पर उसको चलाने वाले सतपाल भाना जी हैं, जिन्होंने सारी उम्र पूरी जिंदगी अपनी हॉर्टिकल्चर में निकाल ली है। और किसान आज भी जिस एरिया में भी ये रहे हैं आज भी इनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि कुछ खासियत होगी तभी याद करते हैं। जब मुझे पता लगा भाना जी रिटायर हो रहे हैं तो धक्के से मैं इनको उठा के ले आया और अपनी नर्सरी की बागडोर इनके हाथों में दी है। आज देखिए कितना सुंदर उपोने यहाँ पे लग रहा है, बोगनविलिया कितना सुंदर मल्टी कलर, एक ही पेड़ पे कितने तरह की ग्राफ्टिंग इन्होंने करवाई है, पौधे तैयार किए हैं। कोई भी ऐसे नज़ारा लेना चाहता है, ऐसे ऐसे पौधे लेना चाहता है, भाना जी के पास आए, पूरी तरह से मार्गदर्शन पाए, ये सब बताएंगे भाना जी। ये बोगनविलिया है, देसी बोगनविलिया के ऊपर मल्टी कलर अलग अलग कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है, और जो ग्राफ्टिंग है वो इनार्चिंग है, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग अलग अलग कलर के किए हुए हैं। और ये जिसके जहाँ भी ग्राफ्टिंग के बीच में जगह है, देसी फूट को तोड़ना है जड़ तक, जिस तरह ये है यहाँ से यहाँ तक कोई तोड़ दी गई है, ये लगी हुई है, इससे बीच में कोई भी अगर देसी फूट आएगी तो ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे हमारे ब्रांड मर जाएंगे। और इसको लगाने का तरीका है, इसका सबसे अच्छा टाइम है ग्राफ्टिंग करने का जनवरी फरवरी, जनवरी में ये सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग होती है इसके अच्छी। और लगाने का तरीका ये है कि इसको पौधे को गमले से निकाल करके मिट्टी में लगाना है, और उसमें एक हिस्सा गोबर खाद होगा, दो हिस्सा रेत, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा गोबर का खाद, और इसमें पानी केवल एक हफ्ते तक ठीक देना है। उसके बाद पानी जितना कम दिया जाएगा उतना ही अच्छा पौधा चलेगा और उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फूल आएंगे। ज़्यादा पानी से ज़्यादा पत्ते आएंगे, फूल की मात्रा उतनी ही कम होती चली जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। और इसकी काट छाट करने से इसकी बोनसाई भी तैयार की जाती, खूब आराम से मजे में तैयार हो जाती है। तो अभी भाना जी ने आपको बताया भी कैसे इसकी देखभाल करनी है, अब मैं किसानी भाषा में बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफ्टिंग करके तैयार किया है, अगर ग्राफ्टिंग से पहले कोई देसी फूट चलती है तो वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो तोड़नी होगी। दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी रोकेंगे तो फूल ज़्यादा आएगा। दूसरा पानी कम देंगे तब भी फूल ज़्यादा आएगा, पानी कम देना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी रुकी रहे। और इसकी देखभाल के बारे में आपको पता होगा तभी इसको इसी तरह से रख सकते हैं, वरना देसी चल जाएगा। मल्टी कलर पौधा आप अपने घर पे लगाएं, गार्डन में लगाएं, कहीं भी लगाएं और अपने घर की शोभा को चार गुना बढ़ाएं, और सुंदर सुंदर पौधे लवली नर्सरी से लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।